हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक, एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिट नंबर 2.6 और यूनिट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर एक, मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एंड मेजर स्टेप्स। टॉपिक नंबर टू में हम पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने की सबसे पहली स्टेज जो होती है वो प्रमोशन ऑफ कंपनी होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ऑफ ए कंपनी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कि कौन कौन से दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को बनाने में। और लास्ट स्टेप में उसके बाद हम पढ़ेंगे differences between memorandum and articles ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर वन से। टॉपिक नंबर वन है हमारा मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी को बनाना। तो जब भी कंपनी को बनाने की बात एक प्रोसेस के थ्रू की जाती है तो उसे आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बोल सकते हैं। इट रेफर टू ए प्रेस्क्राइब्ड process to establishing of a company organization। कंपनी को बनाने के लिए जिस भी प्रोसेस का आप यूज करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, उसे ही आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग
स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। कंपनी को बनाने के लिए आपको मेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर ए पब्लिक कंपनी फॉर ए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए जो स्टेज वन होगी, स्टेप भी बोल सकते हैं आप इसको, वो होगी आपकी प्रमोशन। स्टेप ये स्टेज टू होगी इनकॉर्पोरेशन। स्टेज थ्री होगी आपकी कैपिटल सब्सट्रिप्शन। और लास्ट जो स्टेज होगी आपकी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में आपको चार के बजाय तीन ही स्टेप परफॉर्म करनी है, शुरू के तीन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आपके तीन स्टेप खत्म होंगी, आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी और आप प्राइवेट कंपनी के रूप में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक नंबर वन, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस जिसको फॉलो करते हुए, जिसको परफॉर्म करते हुए हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी को बनाते हैं, उस प्रोसेस को ही फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बोला जाता है। फॉर्मेशन के लिए आपको एक प्रोसेस कंडक्ट करनी होती है जिसमें कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी होती हैं। तो पब्लिक कंपनी के लिए आपको चार स्टेप्स, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, चार स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी होंगी। जबकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन ओनली थ्री स्टेज आर परफॉर्म्ड। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक नंबर वन। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर टू की। टॉपिक नंबर टू है हमारा प्रमोशन ऑफ कंपनी, और ये स्टेज वन है। एक कंपनी को बनाने के लिए जो पहले स्टेज होती है उसे ही प्रमोशन बोला जाता है। प्रमोशन में आपके माइंड में जो बिजनेस आइडिया आता है कंपनी बनाने का, उस बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी प्रमोशन में कवर होती हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग इट्रा फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर
bringing the company into existence. In reality, from an आइडिया, तो एक आइडिया को जब एक बिजनेस में एक बिजनेस आइडिया आता है माइंड में, तो उस आइडिया को रियलिटी में एग्जिस्ट करवाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ को ही प्रमोशन बोला जाता है. इट रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस. इन रियलिटी फ्रॉम एन बिजनेस आइडिया. ओके, तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा, विच इंक्लूड्स discovery of a business opportunity, then arrangement of funds for business, then analysis of its success, then arrangement of necessary resources, then arrangement of managerial people, etc. तो प्रमोशन करने के लिए, कंपनी के लिए रियलिटी में उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक आइडिया फाइंड आउट करना होगा, फंड्स कलेक्ट करने होंगे, उसके सक्सेस को आपको मेजर करना होगा, सक्सेस रेट को आपको डिफाइन करना होगा, नेसेसरी रिसोर्सेज जो आपको चाहिए उनको आपको कलेक्ट करना होगा, और जो कंपनी को मैनेज करेंगे एक्सपर्ट्स लोग उनको आपको हायर करना होगा. तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट आप करेंगे वो सारे के सारे प्रमोशन में कवर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ये कोई ना कोई नेचुरल पर्सन परफॉर्म कर रहा होगा, और उस नेचुरल पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर्स. सो स्टूडेंट्स, द पर्सन who is performing these activities are called promoters. In other words, that person who convert an business idea,
इनटू रियलिटी आर कॉल्ड प्रमोटर्स. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन एंड प्रमोटर्स. एंड अब प्रमोशन के लिए भी आपको कुछ चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करनी होती हैं, तो उसे आप बोल सकते हैं प्रमोशन ऑल्सो ए प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर फॉलोइंग स्टेप्स. इन प्रमोशन फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बाय ए प्रमोटर. सबसे पहले स्टेप वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया. इट कैन ऑल्सो बी ए अपॉर्चुनिटी. देन वी हैव टू फॉलो स्टेप टू, फीजिबिलिटी स्टडी. संभावना कि एक कंपनी बनाने के लिए उसकी कितनी संभावनाएं सक्सेस की हैं. देन नेम अप्रूवल After that, fixing the first signatories, क्योंकि कंपनी को बनाने के लिए ये एक necessary legal requirement है जो आपको पूरी करनी होगी, of memorandum और last जो आपकी स्टेप होगी वो होगी कंपनी बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको तैयार करवाने होंगे. प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन 5 स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए कंपनी प्रमोशन. सो आज के लिए काफ़ी था. कल हम इसी को, इन स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे. थैंक यू अगेन.